किस तरह मॉनिटर करें यहाँ पर सबको? यहाँ पे माइक के जरिए अनाउंसमेंट की जाती है ताकि लोगों को ब्रीफ किया जा सके कि भाई अपनी लेन में रहें ताकि आप महफूज रहें। लाइन लेन सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जिसमें अगर हर आदमी रोड के ऊपर लाइन लेन सिस्टम को फॉलो करता है तो उसका सफ़र महफूज होता है और दूसरा ट्रैफिक के फ्लो में जो है रवानी वो बरकरार रहती है। अब लाइन लेन सिस्टम है क्या, इसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि रोड के ऊपर हमें तीन तरह की लाइनें नज़र आती हैं। हम इसे इस तरह से कैटेगराइज करते हैं कि फर्स्ट लेन जो है एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड पर, फर्स्ट लेन जो है वो तमाम किस्म की इमरजेंसी स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए है। उसमें है रिक्शा, मोटरसाइकिल, लोडेड गाड़ियां, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये इंतहाए बाएं जानी फर्स्ट लेन का इस्तेमाल करेंगी। सेकंड लेन है फास्ट मूविंग के लिए, कार, जीप वगैरह के लिए। और एक्सट्रीमली थर्ड लेन जो है राइट साइड पे वो हमेशा खाली रहनी चाहिए तमाम किस्म की इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए। लेकिन हम फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग के लिए या फिर यू टर्न के लिए हम थर्ड लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि सिग्नल के करीब कुछ एरिया हमें जो है वो कंटिन्यू नज़र आएगा और उससे पहले डिसकंटिन्यू एरिया है। अगर हमें अपनी लेन चेंज करनी है, ओवरटेक करना है, तो हम डिसकंटिन्यू एरिया से हम अपनी लेन चेंज कर सकते हैं। कंटिन्यू एरिया में हम अपनी लेन चेंज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी जो है वॉयलेशन है और इसके ऊपर हमें फाइन किया जाता है। आप लेन चेंज करने की बात करें, मोटर बाइक्स वगैरह और जो गाड़ियों वाले लोग हैं उन लोगों के लिए ऐसे क्या एकदम आते वो करें, मतलब उनकी सेफ्टी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? जैसे कि एक हेलमेट आपने बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहनना, लेकिन लेन चेंज करते हुए जब एक आदमी हेलमेट पहनता है तो वो पीछे नहीं देख सकता मुड़ के पूरी गर्दन घुमा के, तो ऑब्वियसली इसके लिए यही कहा गया था कि साइड मिरर्स लगाएं और जो इशारे हैं साइड पे बाइक के वो लगाएं। बहुत से लोग हमने देखे हैं जिनकी बाइक पे साइड मिरर भी नहीं है, इशारे भी नहीं है, हेलमेट उन्होंने पहने। एक्चुअली हम लोगों को अभी पता ही नहीं है कि मोटर बाइक के ऊपर हमें हेलमेट किस तरह का यूज़ करना चाहिए। ये अवेयरनेस की कमी है, इसीलिए ये कैंप लगाया गया ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। मार्केट में दो तरह के हेलमेट अवेलेबल है, एक है स्पोर्ट हेलमेट और एक है सेफ्टी हेलमेट। इसमें डिफरेंस है, मोस्टली लोगों को आपको नज़र आएगा कि उन्होंने जो हेलमेट पहना हुआ है वो है स्पोर्ट हेलमेट। वो यहाँ तक चिन तक होता है और ये कवर होता है, और हालांकि स्पोर्ट हेलमेट जो होता है वो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करता है, इसे हम कहते हैं सेफ्टी हेलमेट। तो मोटर बाइक राइडर जो हैं उन्हें सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए।